टाइम इज इन द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग, माइल्स डेविस। एंड जब हम पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न हाउ टू मैनेज आवर टाइम, कैसे हम सही तरीके से अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसको यूज करके आप अपना अगला प्रेजेंटेशन, अगला स्टोरी टेलिंग और बेटर एंड इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई एम वेरी श्योर आपने इस 2 तरीके के स्पीकर्स जरूर देखे होंगे। एक जो कि आता है जिसके पास काफ़ी टाइम है बट उसके पास कंटेंट ही नहीं है, उसको 5 मिनट दिया गया है बट वो मोर और लेस 30 सेकेंड्स, 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है बोलना, और उसके पास ही डजन हैव एनीथिंग एंड देन ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। वो वही सेम चीज़ रिपीट करता रहता है, कहता रहता है एंड द ऑडियंस गेट सुपर बोर्ड। एक और स्पीकर होते हैं जिनके पास बहुत सारा चीज़ है बट टाइम कम है एंड दे ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन दैट 5 मिनट। मान लीजिए एक स्पीकर है जिसका 30 मिनट्स का कीनोट है बट उसके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, अ लॉट ऑफ टाइम उस 30 मिनट स्पीच को वो 10 मिनट में डालना चाहेंगे। मैं अपना एक कोट है मेरे मेंटर क्रेग वैलेंटाइन का, वेर ही सेज दैट When you squeeze your information in, you squeeze your audience out. जब आप जबरदस्ती अपने audience के अंदर बहुत सारा material डालने की कोशिश करते हैं तो आपका audience ही आपकी presentation से बाहर चला जाता है। तो वो कौन से 5 principles हैं या 5 tips हैं जो आप use करके अपना time effectively manage कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। Number 1 is discussing and setting the expectation. अगर आप एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं, आप एक स्पीकर हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक स्टोरी टेलर हैं, जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैनेज करना होता है, जो आपको जानना होता है, वो होता है नोइंग द एक्सपेक्टेशन, नोइंग द टाइम लिमिट। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको 10 मिनट बोलना है या 5 मिनट बोलना है या 1 घंटा बोलना है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्लान योर कॉन्टेंट, प्लान योर स्टोरीज। सो पहली चीज़ जो आपको करनी है इज़ टू एज सून एज यू आर कन्फर्म्ड एज अ स्पीकर, रीच आउट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड आस्क, ओके so thank you for choosing me, can you tell me the time, can you tell me who's the audience, what is the theme. This will help you plan your content, very very important. So make sure that you are discussing with the organizers and setting expectation for your time limit. Number 2, and this I call it as time boxing. Exactly, time boxing. You see, aap अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसकी स्टोरीज बताना चाहते हैं, उसको ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट डू इट इन लेस देन 5 मिनट। एंड टिपिकली एक पॉइंट को रखने के लिए आपको 5 से 10 मिनट लगता है। एंड यू कैन यूज़ दिस टेक्निक टू एक्चुअली प्रिपेयर योर लॉन्ग स्पीचेस। सो फॉर एग्जाम्पल आपको आधे घंटे का स्पीच देना है तो कितना टाइम लगेगा? येस, राइट इट इन द कॉमेंट्स। ओके, फॉर अ हाफ एन आवर स्पीच विथ ऑल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड ट्रांजिशन, आइडियली यू कैन नॉट मेक मोर देन 3 पॉइंट्स, करेक्ट? सो अगर आपको अच्छे से इफेक्टिवली स्पीच देना है जो कि आपकी ऑडियंस आपको याद रख सके, वो पॉइंट्स भी याद रख सके, देन यू कैन नॉट हैव मोर देन 3 पॉइंट्स इन अ 30 to 45 मिनट्स की नोट। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने वो 3 पॉइंट्स जो आपके ओवरऑल स्पीच का मेन लेआउट है, मेन ओवरव्यू है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि दोज आर द थिंग्स दैट विल डिसाइड कि आपका स्पीच कैसे प्रोसेस होने वाला है। सो द सेकेंड थिंग फॉर मैनेजिंग योर टाइम बेटर इज नोइंग योर की थिंग्स एंड टाइम बॉक्सिंग बेस्ड ऑन द टाइम दैट यू ऑलरेडी हैव बीइंग अलॉटेड। Number 3, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी कॉल्ड पैट्रिशिया फ्रिप। अगर इफ यू डू नॉट नो, पैट्रिशिया फ्रिप इज द वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्पीकिंग कोच इन द USA. सी इज द एक्स प्रेसिडेंट, द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन, एंड शी हैज गिवन दिस अमेजिंग स्पीच मॉडल जिसको कहते हैं फ्रिप स्पीच मॉडल। यू कैन गो एंड सर्च अबाउट इट, इट्स एन अमेजिंग फ्रेमवर्क, एंड वॉट इट अलाउज यू टू डू इज यूज एन एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर। अगर आपने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देन हाउ डू यू मूव फ्रॉम वन टू अनदर, हाउ डू यू यूज स्टोरीज, हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर मूविंग स्मूथली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पीच मॉडल इज दैट यू कैन यूज इट फॉर अ 5 to 10 मिनट स्पीच, एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर 5 to 10 hours स्पीच, 5 to 10 hours सेशंस एज वेल। सो जब आपके पास एक एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर है लाइक फ्रिप स्पीच मॉडल, लाइक माई मेंटर क्रेग हैज 9-step स्पीच मॉडल, यूज एनी मॉडल विच एवर अपील्स टू यू। When you use a model, you have a structure, it allows you to cut short if required. And we're going to talk about it in the next point. But when you have a structure, you can choose ki kahan pe expand karna hai, kahan pe usko contract karna hai, and this allows you a lot of flexibility. The 4th point, very, very important, knowing your opening and closing. You see, aapka audience
आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग को सबसे ज़्यादा याद रखता है. मे बी वॉट एवर यू से इन बिटवीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू बी रियली रियली थिंकिंग अबाउट इज हाउ डू आई हैव अ ओपनिंग विद अ बैंक एंड हाउ डू आई हैव अ पावर क्लोज टू माई स्पीच, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स दैट रियली इम्पैक्ट्स योर ऑडियंस परसेप्शन. आपका ऑडियंस आपको उसी तरह याद रखेगा जैसे आपने स्टार्ट किया था और जैसे आपने खत्म किया था. बीच का हो सकता है याद रखे, बट नॉट एज मच एज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओपनिंग विद अ बैंक एंड क्लोजिंग. हमने इसके अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, हाउ टू ओपन एंड हाउ टू क्लोज. आई प्रॉब्ली आस्क माई टीम टू लिंक इट ओवर हियर. एंड इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू सी व्हाट हैपेंस, आपको एक घंटे का टाइम मिला है, यू हैव वन आवर टू स्पीक एंड सडनली देर इज अ डिले इन द स्पीकिंग एंड ऑर्गेनाइजर सेज दैट आई एम सो सॉरी आपका एक घंटा था बट कैन यू मेक इट 30 मिनट्स, कैन यू मेक इट 45 मिनट्स. अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया यू विल बी लाइक ओके हाउ डू आई डू दैट एंड दिस इज द थिंग दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट हैव एन इमरजेंसी क्लोज. व्हाट इज एन इमरजेंसी क्लोज, इट्स नॉट माई टर्म, आई थिंक दिस इज कमिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड चैंपियन एट टेट. उसे इसकी अगर आप एक स्पीच दे रहे हैं, अगर आपका एक कीनोट है, तो आप ऐसा 30 मिनट्स का इमरजेंसी क्लोज लगा के रखो ताकि इनकेस योर ऑर्गेनाइजर से ओके यू हैव ओनली 2 मिनट्स, यू कैन ट्रांजिशन टू द इमरजेंसी क्लोज, समराइज योर पॉइंट्स एंड फिनिश इट ऑफ. इट्स लाइक हमारे गाड़ी में होता है, ट्रेन में होता है इमरजेंसी ब्रेक, डोंट यूज इट एवर, आई एम जस्ट सेइंग. सो सिमिलरली इमरजेंसी क्लोज इज लाइक दैट, व्हेन यू हैव एन इमरजेंसी, व्हेन यू हैव टू रियली कट डाउन, यूज दैट इमरजेंसी क्लोज विच शुड बी अबाउट 30 to 45 seconds एंड दैट विल गिव देम अ लॉजिकल क्लोजर. Don't just run away from it. Don't just stop abruptly your speech because that your audience is going to remember how do you close and that would not be a favorable impression on them. Okay, let's talk about the fifth and final one is the rehearse and feedback. Unless until you rehearse and get some qualified feedback, feedback by a coach, feedback by a champion, somebody who understands you, somebody who knows what is your objective and somebody who's ready to give you unbiased, non-sugar-coated feedback. If you get that, that is going to make your speech much better and it will help you effectively manage your time. Now, ek pro tip, bonus tip aapko dena chahta hoon, jo ki hamesha aapke kaam aayega, note it down. And that is 4-letter thing, always finish before time. The difference between an average speaker and a professional speaker is, ki professional speaker ko pata hota hai mere paas kitna time hai, and he or she always finishes before the time. So agar aapke paas 45 minute hai, plan for 40 minute speech so that agar kuch delay ho gaya then you can manage, and more importantly you will be regarded as a professional speaker, a professional storyteller. So just to reiterate the things they discussed, 5 tips. Number 1, discuss with organizers and set your expectation, time expectation. Number 2, use time boxing techniques to have your key points outlined, ideally 1 point per 5 to 10 minutes, not more than that. Number 3, use an expandable structure, free speech model or any other speech model that helps you expand and contract. Number 4, work on your opening and closing, and if possible, have an emergency closer ready. And number 5, rehearse and get qualified feedback. And the last pro tip was 4 words, come on, always finish before time. Agar aap ye sari techniques use karte hain, I am very sure you are going to rock your next presentation, next stories and next communication. For more such tips, follow Coach Haritosh Srivastav, and as I say every single time, until next time, keep learning, keep growing, keep going out of your comfort zone. I'm gonna see you in the next video.